विचार गलत मुद्दे उठाकर बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर की रक्षा करने और विकास करेंगे। पानी का समस्या हल नहीं करेंगे, हर जगह हमें परेशानी होगा। आज देखिए, जहाँ भी देखिए पानी बह रहा है, छत से पक्के छत से नीचे आया, नीचे सीमेंटेड उससे नीचे नाली, नाली के बाद में नदी से बह के निकलता। लेकिन आबादी आज दुगुना बढ़ती जा रहा है, तो इस दुगुना आबादी के लिए ज़रूरी है पानी का भी। और ये अरफा नदी जीवन दायनी है और इसे शुद्ध करना, साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। अब तो मैं आर्मी से रिटायर्ड हो गया हूँ और पूरा जीवन, क्योंकि मेरा कर्म स्थान भी बिलासपुर बन गया है, पैतृक स्थान जसपुर रहा है, और मैं चाहता हूँ वास्तव में प्रत्येक घर में, जिनका 10 लाख रुपया का घर बना लिया, तो वास्तव में रेन हार्वेस्टिंग होना जरूरी है। आज नगर निगम या अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते, तो मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप वास्तव में रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी अनिवार्य नियम के पेपर मिलते हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हो जाती है। चूँकि बिलासपुर में जल संकट सभी को पता है और हमारी जो अरबा नदी है, जो हमारी बिलासपुर की आस्था है, वो सूख गई है और एक कचरे का ढेर बन चुकी है। पिछले 15 वर्षों से इसको कचरे का ढेर बनाया गया है, कभी इस पर कोई कारगर योजना नहीं लाई गई है। हमारी सरकार आई है और पूरा ये काम कर रही है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ अपनी सरकार से कि जितनी जल्दी हो सकेगा एक दीर्घकालीन परियोजना के अंतर्गत अरपा को पुनः जीवित किया जाएगा। वैसे जो सफाई का अभियान अरपा को जन जागरूकता के लिए आज किया जा रहा है और कई दिनों से किया जा रहा है पत्रिका परिवार द्वारा, इसकी बेहद ज़रूरत है और इससे सभी हर व्यक्ति को एक चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सभी को जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। और आइए हम सब मिलकर अरपा को जो है स्वच्छ बनाएँ।